Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Asu Vlogs. तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे. दोस्तों आज है दसवीं, तो आज लास्ट दुर्गा पूजा है. दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की. तो अभी हम संग्रामपुर में हैं, संग्रामपुर से निकल रहे हैं जमुई के लिए. तो दोस्तों रास्ते में जो भी माँ दुर्गा के मंदिर हैं वहाँ किस तरह के जो है सजावट है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, चलिए चलते. भाई आज है दसवीं और अभी हम संग्रामपुर से में हैं, और अभी संग्रामपुर से हम जमुई निकल रहे हैं. तो अभी देखिए, वैसा कुछ इस बार दुर्गा पूजा में देखने को नहीं मिल रहा है. भाई साहब देखिए, बहुत ही कम लोग. एक्चुअली क्या है कि उधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो हम इधर से निकल रहे हैं. इस बार अगले साल की अपेक्षा इस बार बहुत कम भीड़ है. सामने जो स्कूल है रानी प्रभावती उच्च विद्यालय संग्रामपुर लीड की, तो भाई सब देख सकते हैं कि बच्चों में उत्साह तो है, लेकिन बट मेले में वैसा भीड़ नहीं है. दोस्तों अभी हैं संग्रामपुर के अस्पताल चौक पे, और भाई सब देखिए, इन सब जगहों में निकलना मुश्किल होता था, अभी कुछ गिने चुने लोग देखने को मिल रहे हैं. तो भाई साहब पहले की तरह इस बार भीड़ नहीं है, और देखिए कुछ ही कुछ लोग आपको सड़क पे मिलेंगे. पूरा मार्केट खाली है. इन सब जगहों में चलना मुश्किल होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कुछ ही कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे. तो भी एक हमारे मार्केट में एक माँ दुर्गा का मंदिर है, और एक इधर मोड़ साइड है, तो भी उधर भी हम जाएंगे. तो मंदिर साइड तो हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, तो मुश्किल हो जाएगा. तो हम बाहर से ही दिखा देते हैं. तो अभी देखिए कुछ सभी लोग मेले में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं. उत्साह तो है, लेकिन बट पहले के तरह उत्साह नहीं है. ये सब जगहों में पूरा जगह नहीं होती थी, सोचना पड़ता था चलने के लिए. लेकिन इस बार देखिए, बस इतना ही था, बस ख़त्म. ये मंदिर जो है वो साइड उधर है, तो हम तो उधर जा नहीं पाएंगे. संग्रामपुर का अंबेडकर चौक, तो अभी संग्रामपुर बेलहर रोड में जाते हैं. एक्चुअली फ्यूल लेना था, तो हमारा जो फ्यूल पंप है वो आपको बेलर रोड में ही है. तो अभी फ्यूल पंप पे हैं और पेट्रोल ले रहे हैं. तो भाई साहब अपने पेट्रोल ले लिए और निकल रहे हैं जमुई के लिए. तो अभी निकलते हैं, रास्ते में जो भी जहाँ भी आपको माँ दुर्गा का मंदिर मिलेगा वहाँ हम दिखाते जाएंगे. तो वीडियो पर बने रहिए हमारे साथ, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो नीचे आईडी आ रहा होगा, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए. इस साल, पिछले साल जो कोरोना से पहले जो दुर्गा पूजा था, मेला था, वैसा इस बार आपको मेले में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है. रीजन जो भी हो, पिछले साल की जो उत्साह है वो इस बार मेले में देखने को नहीं मिल रहा है. बहुत कम लोग मेले में शामिल हो रहे हैं, और पहले साल के अपेक्षा इस बार डेकोरेशन वैसा सजावट भी देखने को नहीं मिल रहा है. सीधे अगर जाएंगे तो मुंगेर भागलपुर सुल्तानगंज जा सकते हैं. तो हमें अंबेडकर चौक पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें लेफ्ट रन तो जमुई 48 किलोमीटर. तो देखिए भाई साहब, ये पंडाल का मेन गेट है,
बिल्कुल वैसा सजावट नहीं है। और सामने बोर्ड है जमुई 50 किलोमीटर, पटना 216 और खरगपुर झील 27 किलोमीटर। इन सब जगहों में भाई साहब जगह नहीं होती थी, इस बार तो बहुत ही खाली, कुछ ही लोग देखने को मिल रहा है। अभी पदघाघर क्रॉस कर चुके हैं और पदघाघर के आगे एक जगह ये दरियापुर पदघाघर के बीच में, और यहाँ भी दुर्गा माँ का मंदिर है। और देखिए भाई साहब बहुत ही कम संख्या में, और ऐसा लोगों में आजकल उत्साह ही नहीं है। इस बार पिछले साल की भांति इस बार बिल्कुल उत्साह नहीं है, लोग बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल गिने चुने लोग ऐसे काउंट कर लेंगे, बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। तो रीज़न क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गंगटा पहुंच चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि दशहरा है। कुछ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ भी माँ दुर्गा का मंदिर है और देखिए इधर फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, छोटे बड़े फूड के स्टॉल है, खिलौने के हैं और सारे स्टॉल लगे हुए हैं। भाई देखिए यहाँ पे ये माँ दुर्गा मंदिर है और देखिए भीड़, बस सामने कुछ ही भीड़ है, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे मेला ले। तो सब जगह वही हाल है, बहुत कम लोग इस बार मेले में देखने को मिल रहे हैं। तो गंगटा से निकल चुके हैं, तो भाई भीम बांध अभ्यारण्य में आपका स्वागत है। हम इंटर हो चुके हैं भीम बांध अभ्यारण्य, जो बिहार का बहुत ही फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यहाँ पे आप भीम बांध में पर्यटन स्थल भी बनाया गया। आपने हमारी वीडियो अगर नहीं देखी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भीम बांध के वीडियो। तो बहुत ही अच्छा प्यारा जगह है और स्वागत है भीम बांध के जंगल में। दोनों साइड पेड़ हैं, बीच में ये रास्ता, भाई साहब बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। बहुत सारे लोग जंगल क्रॉस कर रहे हैं तो वो रास्ते में आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुनसान रास्ता है, बहुत लोग इस रास्ते को क्रॉस करने से डरते हैं, लेकिन वैसा हम लोग के साथ वैसा कभी वैसा घटना नहीं हुई है, वैसा बर्दाश्त नहीं हुई जिसके कारण तो मुझे वैसा कोई डर नहीं है। मैं हमेशा इस से जंगल से ही क्रॉस करता हूँ जब भी संग्रामपुर जाना होता है। और एक्चुअली है क्या कि जो भी अनजान लोग हैं और उसे काफ़ी कहानियाँ कभी न्यूज वगैरह के चलते उन लोगों को डर है, लेकिन वैसा हम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो और एक्चुअली डर स्वाभाविक है क्योंकि जंगल जो है जंगल का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का, और दोनों साइड बहुत ही घने जंगल और बीच में सुनसान रास्ता, तो डर तो स्वाभाविक है। तो आनंद लीजिए इस भीम बांध जंगल का। ऑलमोस्ट आधा जंगल क्रॉस कर चुके हैं और बीच में ये 1.25 लाख हुआ है। जितने भी गाड़ियां इधर से क्रॉस करती है सभी गाड़ियां रुकती है, उसके बाद ही जाती है। तो ये है श्री श्री 108 जय बाबा 1.25 लाख, ये 1.25 लाख हुआ है। तो यहाँ से अब निकलते हैं। जो भीम बांध जो पर्यटन स्थल है ये रास्ता जाती है, आप तो बहुत ही प्यारा जगह है। एक्चुअली वहाँ पे दिसंबर से मार्च तक लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो गर्म पानी का कुंड है वहाँ पे स्विमिंग पूल के तरह बनाया गया, बहुत ही प्यारा जगह है। तो आप अगर नहीं देखे हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ की वीडियो का लिंक मिल जाएगा,
तो वहाँ के जाइए देखिए, और दिसंबर के महीने में आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से देखने के लिए यहाँ पे एक बनाया गया है, ऊपर पिलर टाइप का बनाया गया है, ऊपर से आप देख के इस वैली का जो आनंद ले सकते हैं। तो जंगल क्रॉस करके हम लक्ष्मीपुर आ चुके हैं, और लक्ष्मीपुर मार्केट में भी अंदर में माँ दुर्गा का मंदिर है, और ये आपका मेन गेट है, अंदर साइड में माँ दुर्गा का मंदिर है। सामने है पहाड़ों माँ दुर्गा मंदिर। सजावट तो काफ़ी अच्छा सजावट है। एक्चुअली क्या है कि ये नाइट में दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं। एक्चुअली क्या है क्या कि शाम में लोग आना, मेला जो मेले में आना प्रेफर करते हैं। तो भाई साहब दोनों रोड के दोनों साइड छोटे बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। तो फाइनली हम जमुई पहुंच चुके हैं। सामने आपका कटौना चौक और ये पत्नीश्वर मंदिर। भाई साहब मेले में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। तो आप सबों से बस हाथ जोड़कर विनती है कि भाई साहब विदाउट हेलमेट ना चलें, सेफ्टी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल रहे हैं विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है विदाउट हेलमेट ना चलें, जब भी राइड करें तो हेलमेट ज़रूर पहने। अक्सर लोग विदाउट हेलमेट देखने को मिल रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप लोग विदाउट हेलमेट ना चलें। तो अभी हम कटौना पुल पार कर चुके हैं। तो सामने है जम्मू स्टेडियम का माँ दुर्गा मंदिर, और बहुत ही प्यारा पंडाल बनाया गया। और इधर मेले में देख सकते हैं काफ़ी लोग, मेले देखने में काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग मेले देखने के लिए आए हुए हैं। चलिए आनंद लीजिए मेले का।